और कहें जी हम मैच खेलने का इंतजार करता है और नतीजे के बाद बात करते हैं। नतीजे से पहले कैसी तैयारी है उस पर भी तो बात करते हैं। मुकाबला होगा कैसे? आपका तो जो मेन बॉलर है वो इंजर्ड है, या तो किंग कोहली कम बैक कर रहे हैं, 100 T20 खेल रहे हैं। मेरी बहन अदिति, एक टीम क्रिपल करती करती है, एक टीम गिव अवे करती करती है, वो गिरती गिरती है। वो पाकिस्तान हो इंडिया हो, जब वो गिरती है ना वो रुकता नहीं है उसका प्रेशर पर। जैसे अगर आपकी दो विकेटें गिरी और चैंपियंस ट्रॉफी में आप हारे, जो ही आप एकदम पकड़ में आए ना उस मैच में वापसी नहीं करते। हालांकि आप देख लेंगे T20 का था और उससे पहले 50 ओवरों का मैच था, एकदम इंडिया पकड़ाई थी तो इंडिया कम बैक कर ही नहीं पाई पूरे मैच में। तो इसीलिए प्रेशर इतना ज्यादा होता है जब एक दफा आप पकड़ाई। तो दोस्तों ये भारत पाकिस्तान की मीडिया का आमना सामना हो रहा है। हालांकि मुझे पता है कि यार शोएब अख्तर ने जो थोड़ी सी बात बोली है वो सही है कि मैच से पहले यार इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल खेल है TRP का तो मैच से पहले बहुत ओवर रिएक्ट किया जाता है और कभी अभी बैठ जाते हैं और पता नहीं क्या क्या बकवास होती है। हालांकि इंडिया पाकिस्तान के मैच बहुत कम होते हैं तो भाई मीडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि किस तरीके से वो अपनी TV की जो रेटिंग है TRP है वो बढ़ा सकें। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, इस वीडियो में आप देखेंगे बड़ा ही शोएब अख्तर का वही निराला अंदाज, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं कुछ। देखिए जी, पहले भी समझाया, कई दफा हमारे दोस्तों को इंडिया मीडिया को भी समझाया कि मैच से पहले बहुत बड़ी बातें नहीं करते क्योंकि मैच किस तरफ भी जा सकता है। पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली लुक्स अ वेरी स्ट्रांग टीम। अगेन मैं ये समझता हूँ कि इट्स गोना बी अ टफ कॉम्पिटिशन, लेकिन हमें बहुत बड़ा सेटबैक है शाहिनशाह अफरीदी का, बहुत बड़ा सेटबैक है। और मैं ये समझता हूँ इस दफा कि हिंदुस्तान टीम बड़े तैयारी के साथ आ रही है, बड़े कैलकुलेशन के साथ आ रही है, तो इट्स गोना बी रियली टफ फॉर पाकिस्तान। आई एम नॉट सेइंग दिस कि इट्स गोना बी इजी, बट इट्स अ बिग ब्लो फॉर पाकिस्तान टीम। शाहिनशाह जो नए बॉल से आपकी विकेटें लेते थे वो इंजर्ड हो चुके हैं, बट इट्स अ ग्रेट इमेजेस टू सी दैट यू नो कोहली शेकिंग हैंड्स विद शाहीन एंड मिंगलिंग अराउंड विद पाकिस्तान टीम। ये जज्बा देख के, ये चीजें देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन शोएब भी बहुत संभल संभल कर बात कर रहे हैं, कैफ आप नोटिस कर रहे हैं वहां पर नर्वसनेस उसकी वजह है, बातें नहीं करनी चाहिए आदित्य, उसकी वजह चाहिए। शोएब ने इसकी वजह भी कहा था, ये पूरा प्लान यही लेके आते हैं हर बार की, ये कहते हैं भाई T20 मुकाबला है, इसमें भविष्यवाणी नहीं चलती, ऑन द डे कोई भी टीम जी सकती है। पिछली बार भी इन्होंने यही कहा था, जब UAE में मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान 10 विकेट से मैच वो जीता था, शोएब अख्तर ने वही बोला था कि भाई देखो मैच के बाद बात करेंगे। और उस दिन उस शाम को इनके पास बातें करने को थी क्योंकि पाकिस्तान मैच जीत गया था। उस दफा भी, उस बार भी, उस बार भी वही रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले मुझे आपकी तरफ से बातें ज्यादा हो रही थी, वहां पे बातें ज्यादा हो रही थी, शांत है वो। बज्जी बज्जी आज तक मैसेज उस मरतबा भी बज्जी जी जी क्या मैसेज मुझे आज तक मैसेज बज्जी कहता है मेरे अल्लाह की तौबा कि मैं आइंदा से कभी मैच से पहले कोई बात करूं भाई भाई मुझे बड़ी सुननी पड़ती है। तो मैंने कहा दैट्स अ राइट स्ट्रेटजी बज्जी, बट दिस टाइम अराउंड तो मैंने कहा बज्जी देखो क्योंकि देखें अल्टीमेटली मेरी बहन अगर आप देखें तो इंडिया इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग स्क्वाड। अगर आप ये देखें कि इंडिया ऐसा पूरी कैलकुलेशन के साथ आ रहा है, बैट्समैन के पूरे हैं, बॉलर्स उनके पास पूरे हैं, पिछली बार भी सेम चीज बोली थी कि स्ट्रांग टीम है, टोटका है, हमेशा इंडिया को स्ट्रांग बोलते हैं और दिल से चाहते हैं पाकिस्तान हरा दे, ओपोनेंट को चढ़ा दे, इतना चढ़ा दे कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो। लास्ट टाइम भी सेम वर्डिंग थी शोएब अख्तर की कि इंडिया ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है और इंडिया के पास बहुत प्लेयर्स इन फॉर्म है, पाकिस्तान युवा टीम है, यंग टीम है और जितने और दिल से चाह रहे हैं। अच्छा शकुन नहीं आपके लिए इसका मतलब है फिर, अच्छा अदिति जो मैच जीत जाए क्या लगा वो और शोएब की जानिब चलते हैं। शोएब पाकिस्तान की टीम में जो तब्दीलियां हुई हैं, जो इंजरीज के बाद शाहीन शाह की जो इंजरी हुई है, शोएब साहब से स्लेजिंग एक्सचेंज प्लेयर्स के बीच बहुत बहुत रोमांच लेकर आते हैं, एंटरटेनिंग वैल्यू होती है उसकी एंटरटेनमेंट की। शोएब जी सवाल क्या आपका, सॉरी सवाल यही है, कोई ऐसा बेंटर्स वो तो हमें पता है, वीरू ने आपको कहा कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा, उसके अलावा ऐसा कोई इंसिडेंट जो किसी को ना पता हो आज आप बड़ा एक्सपोज कर दें? देखिए पहली बात तो ये कि अगर ये चीज उसने कही होती है मेरे मुंह पे कही होती तो वो बचता बिल्कुल बिना मुझे नहीं पता उसने कब कहा, किस वक्त कहा, ये मुझे नहीं पता। और मैंने बांग्लादेश में उससे पूछा भी था ये बात, मैंने स्टेटमेंट दी है कि नहीं दी, उन्होंने कहा मैंने नहीं दी। गौतम गंभीर से मैंने पूछा, मैंने कहा ये कह रहा है ये नहीं दी, ये बात ठीक है? कहता यार मैंने नहीं दी, साफ मुकर गया था मेरे ख्याल में क्वार्टर फाइनल खेल रहे थे। दूसरी बात ये है कि देखें आप हमारे लिए काबिल एहतराम,
मैं हमेशा ये बात करता हूँ, आप जरूर प्रोग्राम कीजिए, आप जरूर बातें कीजिए, खुश होइए, बड़ा खुशी का मौका है, लेकिन आप काबिले इज्जत लोग हैं और मैं हमेशा इंडिया टीम की इज्जत भी करता हूँ, आप लोगों की इज्जत भी करता हूँ, मेक श्योर करता हूँ ऐसी बात ना करूँ जिससे आपकी दिल आजारी हो। और मेरे बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बेस्ड इन इंडिया और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ऐसी बात करूँ कि जिससे आप दोनों मुल्कों में ज्यादा फासले ना बड़े बल्कि कम हो। और आई एम नॉट लाइकिंग दिस वन बिट बिकॉज आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, उसने ये कहा, उसने ये किया, उसने वो किया। लेट्स कम बैक टू क्रिकेट, बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें हैं जो हम कर सकते हैं। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि ये जिस तरह ये प्रोग्राम होता है मुझे नहीं अच्छा लगता है कि एक दूसरे को हिट करना या नंबर बनाना या ये बताना मैं बहुत बड़ा पाकिस्तानी या कहते हैं मैं बहुत बड़ा भारतीय आदमी। सो अब मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी देखें कि जब हमारा मैच हुआ करता था इंडिया से, ऑब्वियसली देर इज इतना अमाउंट ऑफ प्रेशर बिल्ड हो जाता था कि वो इसलिए होता था कि हमारे करीब के दोस्त, माँ बाप, बहन भाई, हमारे दोस्त ये सारे कहते थे भाई मेरी बात सुनो, जो मर्जी हो जाना मुल्क में वापस नहीं आने देंगे, मैच नहीं हारना आपको। ठीक है, अब सिर्फ इतना कह देना उनके लिए काफी था, हमारी भी जान मुसीबत में फंस जाती थी, हम ही कहते यार अब करेंगे क्या। सो लकीली हमारी टीम बहुत तगड़ी थी, हमारा बॉलिंग अटैक बहुत तगड़ा था 97-98 में। अब क्या एक्सपेक्ट करते हो, सकलैन है, मैं हूँ, अफरीदी है, रजाक है, वसीम भाई हैं, वकार हैं, सईद अनवर, इंजमाम, अमर भाई भी थे उस वक्त। सो मेरा ये था कि यार कि देखिए आप जब अंदर जाते हो तो आप मेक श्योर करो कि जो आपको आता है आपको डिलीवर करो, इट्स वेरी सिंपल एज, बाकी आप सोचो नहीं है। बिला शुबा ये बात सच है कि हर बंदा ट्विटर देख, हर बंदा अपनी फुटेज देखता है, हर बंदा टीवी देखता है, अदिति क्या कह रहे हैं, कैफ क्या कह रहे हैं, वो प्रेशर ऑब्वियसली आप अनइंटेंशनली अपनी टीम पे डाल देते हैं। लास्ट टाइम ही मैंने कैफ से कहा था कि कैफ आपका मीडिया आपकी टीम की ऊपर इतना बड़ा प्रेशर डाल देता है कि नॉट नोइंगली वो इतना प्रेशर माउंट कर देते हैं। और दूसरा पर जो टिकते हैं, मैंने पिछले साल देखा पूरा दुबई वॉज बॉट बाई इंडियंस और मुझे वही समझ आ गई थी कि इस वक्त इंडिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर और पाकिस्तान अंडरडॉग्स हैं। वैसे पाकिस्तान ने फिर वो फेंटा लगाया क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं था, इसलिए प्रेशर नहीं था कि पाकिस्तान हैड नथिंग टू लूज। ठीक है, जो सजेशन आपको दे रहे हैं क्वालिटी जो विराट कोहली में नहीं है लेकिन बाबर आजम में है, और एक वो क्वालिटी जो विराट कोहली में है लेकिन बाबर आजम में नहीं है। देखिए एज ए क्रिकेटर मैं आपको समझा देता हूँ कि पहले भी देखिए बाबर ने बैट किया, मैंने भी वीडियो बनाई विराट कोहली के हक में, इसलिए बनाई कि वो एक बड़े प्लेयर हैं, मॉडर्न डे के ग्रेट हैं, और बाबर भी ऑन द वे है टू बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। अगर आप उसकी टेक्निक देखें, उसकी फॉर्म देखें, बेस्ट कवर ड्राइव इन द वर्ल्ड देखें, वो बाबर आजम की। विराट कोहली के पास पैशन है, रिकॉर्ड्स हैं, सेंचुरीज हैं, विल टू प्रूव पीपल रॉन्ग वो भी उनके पास है, वो भी यही चाहते हैं कि वो, मैंने मेरा यही मशवरा होगा विराट कोहली के पास, अब दोनों के पास सब कुछ है, ऐसा ना कहें कि किसी के पास वो बाबर के पास जो चीज है वो विराट के पास, दोनों के पास सब कुछ है। अब बात सिर्फ रह गई है फॉर्म की। आप देखें इंसान है विराट कोहली, कोई लोहे का तो नहीं बना होगा, हर रोज रन करेगा, हर रोज आपको मैच जिता के देगा, लेकिन कितने मैचेस उसने जिता के दिए, और वो बड़ा काबिल एहतराम है हमारे लिए, हम बड़ी इज्जत करते हैं उसकी, इसलिए करते हैं कि यार वो उसने क्रिकेट में एक नई जान डाली, चेस में वो लास्ट 10 ईयर्स उससे बड़ा प्लेयर को नहीं आया। तो ये बात आप जहन में रखते हुए, और हम एज अ पाकिस्तानी हम हमेशा बैक करते हैं, एज अ क्रिकेटर टैलेंट को बैक करते हैं, और एज अ नेशन भी हम दूसरी कौम की बड़ी इज्जत इसलिए करते हैं कि हमारा मिजाज ऐसा है कि हम आउट ऑफ रेड लाइन क्रॉस नहीं किया करते। दूसरी बात यह है कि देखें विराट कोहली को यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। देखें अमर भाई बैठे हुए हैं, कैफ बैठे हुए, ये बैटिंग जानते हैं, देखें मार के निकलने का कोई रास्ता नहीं यहाँ पे। जब तक विराट कोहली अपना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, अपना 2-3 ओवर नहीं खेलेंगे, अपने आप को फ्लो में नहीं लाएंगे, बॉल बल्ले पे लगना नहीं शुरू होगा, तब तक शॉट्स ऑन नहीं होते। T20 फॉर्मेट इतना छोटा है कि यहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अगेन यू नीड टू स्पेंड सम टाइम। और मुझे ये लगता है कि पूरी फोकस तरीके से वो बाहर है, कप्तानी का प्रेशर उन पे हट चुका हुआ, अब मुझे लगता है कि वो अपने आप को टाइम देंगे, फोकस करेंगे, विकेट पे रहने की कोशिश करेंगे, और ये भी ध्यान में रखेंगे कि स्ट्राइक रेट नीचे ना चला जाए उनकी वजह से, और हिंदुस्तान टीम फंस ना जाए स्ट्राइक रेट की वजह से। दूसरी बात ये पाकिस्तान, मुझे लगता है अगेन क्योंकि पाकिस्तान के ये होम ग्राउंड है, आप ये जानते हो कि हम यहाँ सदियों से खेल रहे हैं, हम पिछले 15-20 साल या 25 साल और इफ नॉट 85 से हम यहाँ शारजा दुबई में खेल रहे हैं, हमें ये एग्जैक्टली पता है कि हमें किस वक्त बैटिंग करनी है, क्यों करनी है यहाँ बैटिंग। पाकिस्तान विल
बी चेसिंग, ये मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान विल बी चेसिंग एंड ट्राइंग टू एक्सपोज इंडियन बॉलिंग लेटर पार्ट ऑफ द डे, क्योंकि फिर देखो बैटिंग में बात नहीं करता, कैप आपको बताएंगे और आमद बताएंगे, आमद भाई बताएंगे आपको, क्योंकि देखिए बहरहाल ड्यू हो ना हो शाम को बॉल थोड़ा सीम तक करता है लेकिन बड़ा मजे का आके लगता है, दुबई में थोड़ा बॉल रुक के आता है, थोड़ा दिन में थोड़ा सा थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जूस होता है स्पिनर्स के लिए, बॉल रुक जाता है कभी स्किड कर जाता है कभी, शाम के वक्त ना स्पिनर्स का बॉल स्पेशली वो बल्ले पे आकर थक करके लगता है। तो पाकिस्तान बैट्समैन इन माइंड लास्ट मैच पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला चेस करेगा, मुझे लगता है पाकिस्तान विनिंग द टॉस एंड सेलेक्टिंग द बॉल फर्स्ट। जल्दी से जवाब में आपसे चाह रही थी, इंडिया और पाकिस्तान में से एक एक प्लेयर आपको पिक करना हो वो प्लेयर कौन से होंगे? दूसरा आदित्य मैं एक बात कहूंगा कि आप ऋषभ पंत को बोल रही हैं, वो बड़ा खतरनाक प्लेयर है, वो उसने वो बड़ा नडर आदमी है, वो उसको उसको कुछ समझाने वाला भी नहीं है और ना वो किसी को समझ में आने वाला भी नहीं, वो बहुत फेंटा लगाता है, प्लस हार्दिक पांड्या इसलिए इम्पोर्टेंट हो चुके हैं कि उनको जो उनको एक स्ट्रगल में रखा गया डेढ़ दो साल से, मैं उनको बड़ी दफा जब मैं उनसे मिला भी तो मैंने उनको समझाया कि आप अपना अपना ख्याल रखें, आप अपनी अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, एज ऑलराउंडर आप बहुत बड़े एक ऑलराउंडर बन सकते हैं लाइक कपिल देव, आप अपनी फिटनेस का ध्यान रखें, देखो वो स्टार्ट टेकिंग विकेट्स नाउ और वो स्टार्ट बैटिंग नाउ, हो जाता है बचपना है थोड़ा सा फोकस आउट हो गया होगा, बट जो भी T20 मैच जीतते हैं कैप जानते हैं आप सब लोग हसन बैठे हैं सारे जानते हैं जी। जो जो तीसरा चौथा नंबर होता है चौथा पांचवा नंबर होता है T20 में वहां मैच फंसते हैं और वही प्लेयर जिताते हैं जो बड़े तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं और अच्छा खेलने वाले होते हैं। आसिफ ले लें आप, मोहम्मद आसिफ को ले, आसिफ को आसिफ अली को ले लें, आसिफ अली वो डेंजरस प्लेयर है जो आपके स्पिनर को एक्सपोज करेगा, वो एट विल छक्के मारता है, वो एट विल बड़े डर्टी बैटिंग करता है, तो इसी तरह हार्दिक पांड्या भी और पंत भी और रोहित शर्मा अगर अगर वो अच्छा स्टार्ट देने में कामयाब हो गया तो मिडल ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़नी। शोएब भाई विराट एक और चीज भी है, राहुल रोहित शर्मा ये जो है ना ये एक बहुत बड़ी बेस अगर सेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम फंस जाएंगे। शोएब भाई यहाँ पे बेरिंग दैट इन माइंड चेंज ऑफ रीति भी नहीं है लेकिन पाकिस्तान बॉलिंग विल अटैक, पाकिस्तान बॉलिंग रन रोकने जाएगी विकेट ले जाएंगे। देखा है दोनों ही टीमों के प्लेयर्स के बीच हमने एक एक तरह की दोस्ती देखी है, जो बैंटर और एक तरह की स्लेजिंग की बात पहले की जाती थी वो अब हम दोनों टीमों के रवैये में नहीं देखते हैं। जैसे हमने देखा रोहित शर्मा गए पाकिस्तानी फैंस को एक फैन थे उन्हें हक किया डिस्पाइट द बैरियर इन बिटवीन, पाकिस्तानी फैंस विराट कोहली के लिए प्रे कर रहे हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स विराट कोहली के लिए प्रे कर रहे हैं। मैं यहाँ पर दो फैक्टर्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। लास्ट ईयर की बात हम वर्ल्ड कप की जब बात कर रहे हैं एक चीज जिसे लेकर इंडियन टीम को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था, एक आ गया था जो पाकिस्तानी टीम थी वो ज्यादा भूखी दिखाई दी, और दूसरी बात प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हैं इन दो जब इंडिया पाकिस्तान की बात होती है, और आप भी प्रेशर को लेकर कई बार बोले हैं बहुत कुछ आपने कहा है, तो जब टीम मीटिंग्स होती है और प्रेशर की बात होती है और खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान बहुत ज्यादा उसमें मीनिंग निकाले जाते हैं, वो सिर्फ एक गेम के तौर पे नहीं देखा जाता, तो जब वो टीम प्रिपेयर कर रही होती है जब टीम मीटिंग्स होती हैं वहां पर इस प्रेशर को लेकर बात होती है क्या? अच्छा बड़ी मेहरबानी। देखें टारगेटेड प्लेयर तो होते हैं, ये बात तो सच है कि मैंने सचिन से भी सुना लक्ष्मण से भी सुना, कहते हैं कि यार शोएब हम तुम्हें जोर से देखते थे सुबह तुम वार्म अप कैसे करते थे, अगर तुम अपना वार्म अप अच्छा करते थे तो हमें लगता था यार कि आज तुम बड़े तगड़े मूड में आए हो, तो हम टारगेट जरूर करते थे कि शोएब को कैसे खेलना है या कैप को कैसे बॉलिंग करनी है, टारगेटेड प्लेयर होते हैं। विराट कोहली अगर फॉर्म में आ गया है चल पड़ा है अगर अच्छा खेलना शुरू हो गया तो फिर क्या होगा, तो इस तरह आप टारगेट जरूर करते हैं टीम मीटिंग में, लेकिन आप ओवरऑल अपनी स्ट्रेटेजी जरूर बनाते हैं, आप ये कहते हैं कि यार कि हमें इस प्लान के साथ अंदर जाना है, विच इज प्लान है मेरी जिंदगी में कोई प्लान भी रहा नहीं, तो इस प्लान के साथ अंदर जाना है कि हमने कोशिश करनी कि हमने वी एबल टू टेक विकेट्स, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है बॉलिंग की विकेट लेना, और पाकिस्तान का जो बड़ा एक बड़ा ड्रॉबैक रहा है वो चेस ना करना, पाकिस्तान किस तरह से चेस करेगा, बाबर कितने ओवर तक कितने स्ट्राइक रेट के साथ ऊपर जाएगा, वन डाउन से लेके थ्री डाउन तक हमें किस पेस किस स्ट्राइक रेट की पेस को मेंटेन करना होगा, तो ये प्लान बनते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये बात जरूर रहती है, देखें आइकॉनिक प्लेयर होते हैं हर टीम में, अगर आपके पास सचिन है तो हमारे पास सही नंबर थे, अगर आपके पास राहुल द्रविड़ है तो हमारे पास एजाज थे, आमिर भाई हैं,
देखिए ये बड़े तगड़े प्लेयर थे, तो ये डिस्कशन जरूर होते कि किन लाइन से बॉलिंग करनी पड़ेगी हमें। लेकिन देखिए एक ही मंत्र आदित्य मेरी बहन ये काम आता है कि जब आप एक ही अप्रोच के साथ जाते हैं, वो स्टार्ट टेकिंग विकेट्स, जब आप उस अप्रोच के साथ जाते हैं आपकी बॉल की लाइन लाइन चेंज हो जाती, आपकी 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 बॉडी अप्रोच, आपकी बॉडी बिहेव करना, जो बिहेव क्या चीज़ें बॉडी बिहेव करती है वो डिफरेंटली बिहेव करना शुरू कर जाती, करना शुरू कर देती। अगर आप डरे हुए जाते हैं अंदर, या आपको पता है यार मुझे फेंटी पड़ जानी है, और यार मुझे विराट कोहली मार देगा, या मुझे यार रोहित शर्मा अच्छा पुल करता है तो उसके बाद बाउंसर ट्राई नहीं करूंगा। देखिए यामर भाई की बात ये ठीक है, कहीं ना कहीं आपको बॉलर को, बैट्समैन को बैकफुट पर रखना होता है। ये डर देखो कैच को भी हमेशा रहता है यार, कब शोएब आ रहा है, कभी ना कभी पीछे जरूर करेगा। वही चांस होता है जब आप बॉल आगे करते हो, वही चांस होता है जब आप विकेट लेने जाते हो। तो मेरा ख्याल है यार, देखिए टीम मीटिंग्स बड़ी क्रूशल होती हैं, लंबी टीम मीटिंग्स ना करें, क्योंकि बिफोर द मैच लंबी टीम मीटिंग्स हमेशा प्रेशर डालती हैं। ये जो दो दो घंटे की टीम मीटिंग करते, मैं कभी इसके हक में नहीं रहा। आप शॉर्ट एंड स्वीट मीटिंग कीजिए हमेशा, जब भी कभी बड़ा मैच हो, जब भी मैं भी कभी खेल रहा था तो मैं कोशिश करता था यार छोटी बात करें और बैकअप करें, और इसको बात को ये जरूर कहें, देखो जी ये वक्त और कल का मैच पता नहीं साल बाद वापस आए ना आए, ये फिर तीन मैच वापस मिले ना मिले, माइट एज एंजॉय इट यार। वो एंजॉय करते हैं, खेलते हैं विदाउट अ प्रेशर। बट यार आदित्य मुझे देखे, मैं बार बार एक बात आपसे बात कर रहा हूँ, देखे हम लोग पाकिस्तान खेले हुए, कैफ हिंदुस्तान खेला हुआ है, हम नेशनल एसेट्स होते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब हमारे नेशनल स्टार, जो नेशनल हीरोज होते हैं, वो किसी दूसरे नेशनल हीरो के खिलाफ कोई बुरी बात करें, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं आई कांट स्टैंड इट, मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि जब विराट कोहली को कोई बैशिंग कर रहा हो या बाबर आजम को कोई कुछ कह रहा हो, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज इस बात का ख्याल रखें ड्यूरिंग द प्रोग्राम की, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी। लेकिन शोएब भाई आप इस बात से इंकार नहीं करेंगे कि हिंदुस्तान में तो फिर भी बैशिंग ना के बराबर होती है, बैशिंग ज्यादा होती है। आपके प्लेयर्स अपना दर्द बयां कर चुके हैं, हसन अली उनका दर्द। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आप देख रहे थे शोएब अख्तर बात कर रहे थे भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर। भारत पाकिस्तान का मैच वैसे भी यार आपको पता है यार बहुत दिनों में होता है यार, नॉर्मली भारत पाकिस्तान के मैच होते नहीं है, और होते हैं तो फिर सीधा वर्ल्ड कप, एशिया कप, T20, ICC इवेंट, इसके अलावा भारत पाकिस्तान के मैच होते नहीं है। तो इस तरीके की हाइप क्रिएट होगी, कोई भी इसमें गलत बात नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा भारत पाकिस्तान के अलावा मैचेस अगर और किसी टीम के हों और इस तरीके की हाइप क्रिएट हो मीडिया में। इवन जो शोज ऑर्गेनाइज्ड होते हैं आपने देखा होगा, वर्ल्ड कप का फाइनल भी हो तो वो उसी दिन कवर किया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता है। ये एशिया कप का मैच है, बहुत बड़े स्तर पर कवर किया जाता है, बहुत ज़्यादा कवरेज मिलती है। अच्छा है, ठीक है, लेकिन यार इंडिया पाकिस्तान के मैच होते हैं यार नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा फैली है सोशल मीडिया में। जो बंदा जिसको जो आए वो बोल देता है। लास्ट टाइम शेख रशीद ने कुछ ऐसा बयान दिया था, ये इस्लाम की जीत है। मतलब आप समझ रहे हो, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान की टीम जीती, शेख रशीद ने बोल दिया ये इस्लाम की जीत है। इस तरीके की बयानबाजी होती है तो उससे क्या है, नफ़रतें और फैलती हैं। तुम खेल में भी धर्म घुसेड़ोगे तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हालांकि मैं इस तरीके से नहीं देखता हूँ। मैं इस बार देख रहा हूँ विराट कोहली का, आप देख सकते हो काफ़ी, मतलब एक विराट कोहली और टीम इंडिया के बाकी प्लेयर आप देख सकते हो शाहिद अफरीदी से जाकर हाथ मिलाए, बहुत अच्छी बात है। बाबर आजम तो विराट कोहली से ऐसे मिल रहे थे जैसे वो फैन बॉय हो, और अच्छी बात है। विराट कोहली ने आज अपने इंटरव्यू में बोला है कि बाबर आजम करंट के टॉप प्लेयर हैं अभी के फॉर्म के हिसाब से, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। बाबर आजम है टॉप प्लेयर, बहुत अच्छा खेलते हैं अभी उनका, मतलब बहुत क्या बोलूँ मैं, पीक पे चल रहे हैं बाबर आजम। तो विराट कोहली खुद बोल रहे हैं तो आपको भी मानना पड़ेगा। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट काफ़ी कम रहता है T20 के हिसाब से, ठीक है वो सही बात है, एंकर का रोल प्ले करते हैं, वो इस तरीके से एग्रेसिव नहीं है, लेकिन वो भी एक बड़े प्लेयर हैं और वो एक मतलब अच्छा खेलते हैं, बस ये बोलूँगा। हालांकि पाकिस्तान की टीम में शाहिन अफरीदी नहीं है, उस वजह से पाकिस्तान की टीम थोड़ा सा वीक लग रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत की टीम में भी बुमराह नहीं है, लेकिन आप प्लेयर टू प्लेयर कंपेयर करें तो थोड़ा सा वीक लग रही है पाकिस्तान की टीम। भारत की टीम के साथ ये सीन है कि भारत की टीम के जो मिडिल ऑर्डर मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है, टॉप ऑर्डर की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, टॉप ऑर्डर मैं बिल्कुल नहीं बात कर रहा हूँ, मिडिल ऑर्डर।